बसपा ने सिद्धार्थनगर जिले में शुक्रवार को प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया। जिले के बांसी तहसील के अनंत पैलेस पर आयोजित इस सम्मेलन में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा ने शिरकत की। सम्मेलन में आई भारी भीड़ को संबोधित करते हुए सतीश मिश्रा ने भाजपा और सपा को खूब खरी खोटी सुनाई और दोनों पार्टियों को ब्राह्मण विरोधी बताया। सतीश मिश्रा ने भाजपा सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताते हुए कहा कि भाजपा इस देश से सनातन धर्म को ही खत्म करना चाहती है। उत्तर प्रदेश में संचालित संस्कृत विद्यालयों को हो रही है उपेक्षा, इसका प्रमाण है। सतीश मिश्रा ने कहा कि उनके पूरे प्रदेश में की जा रही है ये यात्रा और सम्मेलन अब खत्म होने के कगार पर है। प्रदेश के हर जगह से जो समर्थन मिल रहा है उससे साफ पता चलता है कि इस बार भाजपा की सरकार बनेगी, वो भी पूर्ण बहुमत से। सतीश मिश्रा ने कहा कि उनकी पार्टी किसी भी दल से चुनावी गठबंधन नहीं करेगी। देखिए सिद्धार्थनगर से अरुण कुमार शुक्ला की रिपोर्ट, SKH न्यूज। तब हम आप लोगों के बीच में आए, पूरे प्रदेश में गए, आपके जिले में भी आए, हम हर जिले में गए और हमने जाकर के ब्राह्मण। अब हम अपने सभी सम्मानित साथियों से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि जो किस तरह सनातन धर्म को खत्म करना चाहती है? देखिए भाजपा ने धीरे धीरे सारे संस्कृत विद्यालय महाविद्यालय उन्होंने उनको पैसा देना बंद कर दिया। सरकारी विद्यालयों की बात कर रहा हूँ मैं, जो प्राइवेट थे उसमें तो बहन मायती जी ने 365 विद्यालयों को अनुदान दिया था, उसके बाद से आज तक नहीं मिला। इन्होंने उन सारे संस्कृत विद्यालय जो थे उनको एक एक करके बंद करने की योजना बनाते हुए आधे बंद हो गए हैं। 1500 में से 700 विद्यालय रह गए हैं और महाविद्यालय 500 थे उसमें से 200-250 रह गए हैं, वो भी आगे 6 महीने में बंद हो जाएंगे। और उसमें कोई नियुक्ति नहीं हो रही है, अध्यापकों की नियुक्ति नहीं हो रही है। जब अध्यापक नहीं होंगे तो पढ़ने वाला कहाँ से होगा? तो जब पढ़ने वाले नहीं होंगे और पढ़ाने वाले वेद पाठ कहाँ से पढ़ेंगे? लोग यहीं तो पढ़ते हैं, यहीं किसी संस्कृति चलती है हमारी। तो जब वेद पाठ पढ़ने और पढ़ाने वाले नहीं बचेंगे तो आगे चल करके जब ये लोग समाप्त हो जाएंगे, नहीं मिलेंगे जो अभी हैं, तो सनातन धर्म ही समाप्त हो जाएगा। सर क्या BSP में सेकंड जनरेशन की शुरुआत हो रही है? देखिए BSP जो है वो नौजवान 50% हैं। सेकंड जनरेशन में आप समझ रहे हैं 50% जो हैं बहन मायती जी के निर्देशानुसार उन्होंने निर्देश दे रखा कि हर स्तर पर 50% जो है नौजवान लोग BSP में रहेंगे और हैं। बीते 4.5 सालों में ब्राह्मणों की याद नहीं? देखिए आपको मालूम है पिछले 1.5-2 साल से कोरोना रहा, उसके पहले जहाँ जहाँ भी हुआ, चाहे रायबरेली हो चाहे और जगह हो, हर जगह हम लोग गए, हम लोगों ने हर जगह पहुँच करके और ब्राह्मणों की बात उठाने का काम करा है और आज भी उठा रहे हैं। और अभी से नहीं उठा रहे हैं, 2003 से 2005 से उठा रहे हैं और उठा करके ब्राह्मण समाज आज इसीलिए आपने देखा कि बहुजन समाज पार्टी के साथ पूरी तरह से आज इकट्ठा हो गया, एक साथ हो गया है। हम तो आज 72 जिले पूरे कर चुके हैं, 2 ही जिले और बचे हैं और जिस तरह से ब्राह्मण समाज हमारे साथ में इकट्ठा है उससे ये साबित हो रहा है कि 2007 से कहीं ज़्यादा, उससे कहीं ज़्यादा हम लोग सीटें जीत करके और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे अपने अकेले दम।